और रसोई रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से। हा? भाई साहब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हा? ये नहीं जैन साहब की तरह जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके आ गए। अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो मन करता है वो बनाता हूं वो खाता हूं। नहीं नेता तो भाई साहब इतने देशभक्त होते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी होती है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, परंतु देश सेवा करने का निश्चय से अपने डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए। सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाए। और ये क्या क्या बात कर रहा था राहुल कि मेरे बारे में कि ये ऐसे डरता है और वो करता है, पत्नी से क्या करता है। भाई साहब मैं किसी से नहीं डरता, मैं इकलौता पति हूँ पूरे ब्रह्मांड में। और कैसा पति हूँ कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता, ये दावे से कहता हूँ। और किसी को शक हो तो एफिडेविट भी दे सकता हूँ रिटर्न में कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरे घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। ये जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े बैठे हुए समाज के ठेकेदार या ये मंच के सरपंच या ये साइंटिस्ट, सबके सब डरते हैं, सिर्फ इकलौता मैं हूँ जो दावे से कहता हूँ नहीं डरता। और ठोक के कहता हूँ, ये वीडियो मेरी घरवाली भी देखती है बाद में, वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरे घर में कोई पत्ता नहीं हिलता और रसोई रसोई खुद बनाता हूँ बिना पूछे ही बीवी से। हा? भाई साहब पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। हा? ये नहीं जैन साहब की तरह जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके आ गए। अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जो मन करता है वो बनाता हूँ वो खाता हूँ। और मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। क्या बहादुर आदमी, फालतू की बात कर रहे हैं। राजनीति पर इन्होंने इतनी बातें करी, भाई साहब मैं राजनीति पर कोई बात नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करता राजनीति पे बात, क्योंकि नेताओं ने छोड़ा नहीं आपस का भाईचारा, आदमी ही आदमी से डरा डरा दिखता। कि नेताओं ने, अब है ये जो मक्खन बचा हुआ है सिर्फ माखन देख ले, जो मथा जाता है ना, जो बाद में मक्खन बसता है, ये वो श्रोता है जो कविता की समझ रखते हैं। कि नेताओं ने छोड़ा नहीं आपस का भाईचारा, आदमी ही आदमी से डरा डरा दिखता। कि नेताओं ने छोड़ा नहीं आपस का भाईचारा, आदमी ही आदमी से डरा डरा दिखता। आपदा में अवसर खोज लेते नेता ऐसे, सावन के अंधे को जो हरा हरा दिखता। अच्छा, और पीड़ितों के आंसुओं का मोल वो क्या जाने जिसे, दर्द में भी वोट बैंक हरा भरा दिखता। ऊंचे ऊंचे भवनों में दिखती तरक्की, किंतु आम आदमी का दर्द नहीं जरा दिखता। ऊंचे ऊंचे भवनों में दिखती तरक्की, किंतु आम आदमी का दर्द नहीं जरा दिखता। वो अभी आपने देखा होगा पिछले साल की बात है, मोदी जी ने अपने जन्मदिन पर चीते लेकर के आए थे, वो मध्य प्रदेश, ये इसके यहाँ रीवा के पास ही छोड़े थे वो सारे ले जा करके। और अभी इस साल भी 5 जनवरी को 12 चीते और लेकर के आए थे। ये दो हमारे कांग्रेसी मित्र आपस में बात कर रहे, बोले यार ये मोदी जी चीते क्यों लेकर के आते हैं। तो एक ने दूसरे को समझाया कि मोदी जी चीते क्यों लेकर के आते हैं, वो बात मैं आपको अपनी शैली में समझाना चाहता हूँ। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर, देश सेवा के बहाने वोट जोड़े जाएंगे। कई नेता तो भाई साहब इतने देशभक्त होते हैं कि उनके अंदर देशभक्ति इतनी कूट कूट कर भरी होती है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, परंतु देश सेवा करने का निश्चय से अपने कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर, देश
देश सेवा के बहाने वोट जोड़े जाएंगे, और यदि बहुमत फिर भी ना आया तो क्या विधायक दूसरों के भी तो तोड़े जाएंगे। हाय हाय। कि मन को लुभाने वाले झूठे सच्चे वादे कर, देश सेवा के बहाने वोट जोड़े जाएंगे, और यदि बहुमत फिर भी ना आया तो क्या विधायक दूसरों के भी तो तोड़े जाएंगे। यदि कोई राजी राजी दल नहीं बदले तो कान ऐसे जिद्दियों के भी मरोड़े जाएंगे, और ईडी और सीबीआई फांस नहीं जीने पाई उनके ही पीछे फिर चीते छोड़े उनके ही पीछे फिर चीते छोड़े जाएंगे। और अभी वो उदयपुर में हुआ था पिछले साल, चिंतन शिविर। चिंतन शिविर के बाद सोनिया जी का एक बयान आया, और उस बयान में क्या कहा उन्होंने कि फूट गए भाग मेरे, झेल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। वो 2019 में राहुल गांधी जी ने एक नारा उछाला था, चौकीदार चोर है, तो तुरंत उसके जवाब में भाई साहब बाढ़ सी आ गई, सारे सोशल मीडिया पर सबके स्टेटस अपडेट हो गए, मैं भी चौकीदार, जिसे देखो वही मैं भी चौकीदार। ये हमारा कामता माखन, इसको भी जोश आ गया, ये भी अपने घर पहुंचा, बोला मैं भी चौकीदार। इसकी माता जी ने इसको बुलाया, बोली इधर आ, एक मारा कान के नीचे थप्पड़, बोली रात से तेरी बहू आई नहीं है घर पे, तू अपनी बहू की चौकीदारी कर पहले, बाद में देश की कर लियो। कि फूट गए भाग मेरे, झेल रही जैसे तैसे। अच्छा, आपने वो एक और देखा होगा, पिछले जब यूपी के चुनाव हुए थे, एक बुआ भतीजे का गठबंधन हुआ था, और उससे पहले ये राहुल और अखिलेश का गठबंधन था, उससे पिछले चुनावों में। इस बार बुआ भतीजे मिल गए और नाम दे दिया महागठबंधन। मैंने मायावती जी से पूछ लिया मैं कि राहुल जी को भी साथ ले लेते, दो पार्टियों का क्या महागठबंधन, राहुल भी साथ होते कुछ तो मजबूती आती तुम्हारे गठबंधन में। बोली अच्छा, मुझे बेवकूफ समझता है। मैं क्यों, इसमें बेवकूफ वाली क्या बात है। बोली जो आदमी 50 साल से घोड़ी पे नहीं चढ़ पाया वो हाथी की सवारी करेगा। आए हाय। कि फूट गए भाग मेरे, झेल रही जैसे तैसे। और अभी इस बार प्रियंका गांधी को भी लिया है मैदान में। वो पहले 6 सीट आई थी यूपी में, उसके बाद 2 पे ही रह गई। मैंने अपने कांग्रेसी मित्र से पूछ लिया, मैं भाई साहब प्रियंका को लाने की क्या जरूरत थी। बोले ये हमारा तुरुप का इक्का है। मैं कि फिर अभी तक जोकर से क्यों खेल रहे थे। आए, 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 बात समझ में आ रही तो ताली बजाओ। मैं किस बात का तुरुप का इक्का है। बोले यार तुम्हें पता नहीं है, ये इसकी शक्ल अपनी दादी जी से मिलती है। मैं मतलब, बोले इंदिरा गांधी जैसी दिखती है बिल्कुल। मैं क्या, ये क्या फालतू का लॉजिक हुआ। अब यूं तो भाई साहब मेरी घरवाली की शक्ल मायावती से मिलती है, अब थोड़ी उसको मैं बहन जी बोल रही हूं। कि फूट गए भाग मेरे, झेल रही जैसे तैसे, कैसी ये औलाद मौला मेरे हिस्से आई है। मोदी जी का दोष नहीं इसमें जरा भी, कोई घर के चिराग नहीं आग ये लगाई है। बातें बड़ी बड़ी करे छोड़े नहीं बचपना, बातें बड़ी बड़ी करे छोड़े नहीं बचपना, हार गई लाल मेरे आज तेरी माई है। और जनता का विश्वास जीत कैसे पाएगा तू, छोरी एक तुझसे तो पट नहीं पाई। और अंतिम 4 पंक्तियां और रखता हूं आप लोगों के बीच में। स्वागत। इस बार चुनावों में एक और नारा सुनाई दिया होगा आपने कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। मैंने कहा यार जिस राम जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उस राम को लाने का भी कोई दावा कर रहा है तो उस दावा करने वाले से ही सवाल कर लेते। और मैंने क्या सवाल किया, और आपको लगे कि सवाल ठीक हो तो अपनी तालियों से इस कवि सम्मेलन का समापन करना। मैंने उनसे पूछा कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। कि राम जी का गुणगान खाली पेट करें कैसे, राम की प्रजा को महंगाई से बचाइए। नौकरी के बिना कभी देता कोई भाव नहीं, रोज होने वाली रुसवाई से बचाइए।
डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, डॉलर ने घिस 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 डॉलर ने घिस घिस रुपया रगड़ डाला, रुपये को हो रही घिसाई से बचाइए। सबकी तो किस्मत आप जैसी होती नहीं, हमको भी मोदी जी लुगाई से बचाइए। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।